उत्तराखंड की राजधानी रांची से अमित शाह ने बीजेपी के 25 संकल्प जारी किए, जिसमें युवाओं, महिलाओं और आदिवासियों से कई वादे किए। इस दौरान अमित शाह ने हेमंत सरकार पर जोरदार हमला बोला, घुसपैठ का मुद्दा उठाया। उन्होंने घुसपैठियों को हेमंत सरकार का वोट बैंक बताया, जबकि बीजेपी सरकार में घुसपैठियों को बाहर करने का वादा भी किया। तो बीजेपी ने संकल्प पत्र जारी कर दिया है। झारखंड में इसी महीने विधानसभा चुनाव होना है, दो चरणों में यह चुनाव होना है। ऐसे में बीजेपी के 25 संकल्प हैं, और आपको बताएं कि रांची में अमित शाह ने यह संकल्प पत्र जारी किया। युवाओं, महिलाओं, आदिवासियों से इस संकल्प पत्र के जरिए कई वादे किए गए। झारखंड का यह चुनाव न केवल सरकार बदलने का चुनाव है, झारखंड का यह चुनाव झारखंड का भविष्य सुनिश्चित करने का चुनाव है। झारखंड की महान जनता ने तय करना है कि आकंठ भ्रष्टाचार में डूबी हुई सरकार चाहिए या विकास के रास्ते पर मोदी जी के नेतृत्व में चलती हुई भाजपा सरकार चाहिए। भारतीय जनता पार्टी बाकी सारी पार्टियों से अलग पड़ती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी देश की राजनीति में एक अकेली ऐसी पार्टी है जो कहती है वो करती है। हमारी राज्य सरकारों का इतिहास है, हमारी केंद्र सरकारों का इतिहास है। जब जब भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई, हमने लिए गए सभी संकल्पों को पूरा किया। रांची में बीजेपी का संकल्प पत्र जारी करने के समय अमित शाह ने घुसपैठ के मुद्दे पर हेमंत सरकार पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा, झारखंड के घुसपैठिए हेमंत सरकार का वोट बैंक है। हजारों लाखों की संख्या में झारखंड की बेटियां दूसरी शादी, तीसरी शादी कर एक घुसपैठिए उनके अधिकारों का हनन कर रहे हैं, और आप वोट बैंक की लालच में चुप बैठे, उनके पास से भेंट लेकर उनकी संपत्ति हड़प करने का एक षड्यंत्र, एक घुसपैठिए चला रहे हैं। हाई कोर्ट इसका संज्ञान लेती है, एक ऑर्डर करती है कि घुसपैठिए को चिन्हित करिए, इनको डिलीट करिए, डिटेक्ट करिए और डिपोर्ट करिए। झारखंड सरकार ना बोलती है, हेमंत सोरेन आप बचा नहीं पाओगे, घुसपैठिए को चिन्हित करिए, इनको डिलीट करिए, डिटेक्ट करिए और डिपोर्ट करिए। झारखंड सरकार ना बोलती है, हेमंत सोरेन आप बचा नहीं पाओगे, झारखंड में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है, एक एक घुसपैठियों को चुन चुन कर निकालने का काम भारतीय जनता पार्टी करने वाली। अमित शाह ने हेमंत सरकार को आदिवासी सुरक्षा के मुद्दे पर भी घेरा। उन्होंने कहा कि हेमंत सरकार ने वोट बैंक के लिए आदिवासियों की सुरक्षा से खिलवाड़ किया है। कि हेमंत सोरेन की सरकार के समय में झारखंड का आदिवासी सुरक्षित नहीं रहा है। संथाल परगना में आदिवासियों की संख्या लगातार कम हो रही, घुसपैठिए यहां आकर हमारी बेटियों के लुभाकर उनके साथ शादी कर रहे हैं और भूमि पर कब्जा कर रहे हैं। ये समस्या अगर समय रहते रोकी नहीं जाती तो ना झारखंड की संस्कृति बचेगी, ना झारखंड की रोजगारी बचेगी, ना झारखंड की भूमि बचेगी, ना बेटियां भी सुरक्षित होगी। आज मैं यहां आया हूं तब मैं निश्चित रूप से कहना चाहता हूं कि हेमंत सोरेन की सरकार के समय में झारखंड का आदिवासी सुरक्षित नहीं रहा है। संथाल परगना में आदिवासियों की संख्या लगातार कम हो रही, घुसपैठिए यहां आकर हमारी बेटियों के लुभाकर उनके साथ शादी कर रहे हैं और भूमि पर कब्जा कर रहे हैं। बड़ी खबर, गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस नेता जयराम रमेश के आरोपों पर पलटवार किया है। रांची में बीजेपी का संकल्प पत्र जारी करने के समय न्यूज 18 इंडिया के सवाल पर अमित शाह ने आरोप लगाया कि हेमंत सोरेन की सरकार झारखंड में केंद्र की योजनाओं को लागू नहीं होने दे रही है। दरअसल जयराम रमेश ने केंद्र सरकार पर झारखंड के कोयला, रॉयल्टी और केंद्रीय योजनाओं के लाखों करोड़ रुपए बकाए का आरोप लगाया था। अमित पांडे, न्यूज 18 इंडिया से हूं। अभी जयराम रमेश जी ने कहा है कि झारखंड में सरकारी योजनाएं, केंद्र सरकार की योजनाएं पहुंची नहीं, और कम से कम पिछले कुछ सालों का आंकड़ा देते हुए उन्होंने एक ट्वीट देखो किया। भाई जयराम रमेश की बात का मैं जवाब नहीं देता,
क्योंकि वो देश के आंकड़ों पे भरोसा नहीं करते हैं, ये दुनिया भर के आंकड़ों से देश के आंकड़े बनाते हैं। अब इसका मेरे पास कोई रास्ता नहीं है, मगर क्या जयराम रमेश ये कहना चाहते हैं कि झारखंड के अंदर एक भी महिला को गैस का सिलेंडर नहीं मिला है, एक भी गरीब को मकान नहीं मिला है, और हमारी योजना है तो सबके लिए, तो फिर आपकी सरकार क्या कर रही है? हमारा आरोप उल्टा है, हमारी योजनाओं को हेमंत सोरेन सरकार नीचे तक पहुंचा नहीं रही है। मैं वादा करता हूं आगे 5 साल हमने मोदी जी की योजनाओं को नीचे तक पहुंचाया था। इन्होंने मोदी जी को राजनीतिक यश न मिले इसलिए योजनाओं को रोका है। भाजपा सरकार बना दीजिए, हम फिर से इसको जन जन तक पहुंचाने का काम करें।